हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आए हुए हैं आम बागान आए हुए हैं। ये आम बागान है रायरंगपुर में फेमस आम बागान है। और आज कुछ अलग ही हम बात करने के लिए आए हैं। आज सो गाइज, आज हम पिकनिक स्पॉट के बारे में बात करने आए हैं। रायरंगपुर में ऐसे बहुत ही कम पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे पिकनिक करते हैं लोग, और उन पिकनिक स्पॉट में से ये एक अलग है, अलग सा पिकनिक स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने के लिए। तो बस पेड़ ही पेड़ है, आम का पेड़ है, और इसको आम बागान बोलते हैं। और लोग यहाँ पर बहुत 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 तादाद में आते हैं लोग, क्योंकि ये अच्छा जगह है, फैमिली लोगों के लिए भी अच्छा है। फैमिली लोग हैं वो लोग इस जगह को प्रिफर करते हैं दूसरे पिकनिक स्पॉट से। जैसे कि रायरंगपुर में और भी पिकनिक स्पॉट है, जैसे कि हम लोग का हो गया सुलेपा डैम हो गया, और जैसे कि हम लोग का हो गया असुरघटी हो गया, नहीं तो बांकबोड़ हो गया। ऐसे ही बहुत सारा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन लोग यहाँ ज़्यादा प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अच्छा जगह है, यहाँ पर उतना शोर शराबा नहीं होता, और फैमिली वाले लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा है, और ऐसा नहीं है। तो गाइज, हम आपको बोले कि कैसे ये जगह इतना स्पेशल है पिकनिक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फैमिली लोग बहुत आते हैं। और यहाँ ये सब देखिए गाइज, यहाँ का व्यू देखिए आप कैसा दिख रहा है। चारों तरफ आम का पेड़ ही है, चारों तरफ आपको आम का पेड़ ही दिखेगा। तो गाइज, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे पानी का सुविधा भी है। वहाँ पे थोड़ा आगे एक टैंक है जो कि पानी सप्लाई करता है, वो जो पानी की यहाँ आगे गया है खड़खाई रिवर, वो वहाँ से वो पानी लेते हैं और वहाँ से पानी सप्लाई करते हैं। तो हम देखते जाएंगे वो रिवर कहाँ पे, मैं आपको लेके चलता हूँ वो रिवर तक। देखिए गाइस, जो दिख रहा है आपको सामने में वो रिवर, अभी पानी ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि बारिश उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो बारिश जब ज़्यादा होता है तो यहाँ पे फ्लड जैसा सिचुएशन आ जाता है। देखिए, यहाँ तक पानी आ जाता है। वो देखिए गाइस, वो आपको दिख रहा होगा, वो रहा नदी, वो देखिए वो रहा नदी, आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखिए, वो खड़खाई रिवर है, वहाँ से वो टैंक दिख रहा होगा आपको, उस टैंक से पानी लेके यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, और इरिगेशन काम में भी लगाया जाता है यहाँ का पानी। तो आप लोग अगर पिकनिक स्पॉट ढूंढ रहे हो रायरंगपुर टाउन के आसपास में, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। तो आप लोग इस जगह पे अपने फैमिली के साथ आ सकते हो। तो यही है गाइज, इस जगह का व्यू तो आप लोग देख ही लिए। आगे भी और है, बहुत सारा पेड़ है और बहुत सारा जगह है वैसे पिकनिक करने के लिए। तो आप लोग बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए, दिसंबर और जनवरी में बहुत लोग यहाँ आते हैं। तो आप लोग भी अगर पिकनिक करने के लिए खोज रहे हो तो यहाँ आ सकते हो। सो गाइज, और एक बात आपको बोलने के लिए भूल गया मैं, आप अगर यहाँ आना चाहते हो तो कितना दूर है, डिस्टेंस कितना है, अगर आप रायरंगपुर पहुँच चुके हो तो रायरंगपुर से यहाँ आने के लिए कम से कम आपको 3-4 किलोमीटर लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर लगेगा, 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं लगेगा। और आने के लिए दो रास्ता है यहाँ आने के लिए, यहाँ होड़दा बोलते हैं, यहाँ पास में होड़दा रास्ता से आप आ सकते हो, नहीं तो एक नदी दिख रहा है आपको पीछे से, नदी पार करके आप लोग आ सकते हो। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।